तमाम जितने भी जियो के यूजर्स हैं उनको लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले जियो कंपनी द्वारा जो है वो एक जानकारी दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम जो प्लांट्स हैं वो जो है वो अब 3 जुलाई से जो है महंगे होने जा रहे हैं। आज 3 जुलाई है और आज से ये तमाम जो आप लोग अपने अपने रिचार्ज जो कराते थे वो जो है वो महंगे हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जियो ने जो है वो एक बार इस बार जो है वो एक बड़ा बदलाव इस बार किया है, क्योंकि ये बात जो है वो कहीं ना कहीं पहले नहीं बताई गई थी। क्योंकि पहले जिस तरह से आप सब लोग फ्री में जो है वो 5G का इस्तेमाल करते, लेकिन अब जो बड़ा बदलाव इसमें जो है वो जियो कंपनी द्वारा किया गया है कि अब अगर आप अपने मोबाइल फोन में जब आप रिचार्ज पहले करवाते थे तो उसमें आप लोगों से जरूर पूछते थे कि आखिरकार हमें इसमें जो दिन का डेटा है वो कितना मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, 1 GB मिलेगा, फिर 2 GB मिलेगा, फिर 2.5 GB मिलेगा। तो अब आपको बताने चले कि अब अगर आप जो है वो कोई ऐसा प्लान आप अपने फोन में जो है वो कराते हैं जिसमें आपको जो है उसमें इंटरनेट जो है वो 1.5 GB मिल रहा है, फिर 1 GB मिल रहा है, तो आपको बताने चले कि उसमें आप लोगों को 5G की सर्विस जो है वो नहीं मिल पाएगी। 5G की सर्विस का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जियो के, जो कि अपने फोन में रिचार्ज वो कराएंगे जिसमें 2 GB डाटा जो है वो उन्हें पर डे में मिलेगा और उसी में जो है वो उन्हें अनलिमिटेड 5G की सर्विसेज मिलेगी। जबकि इससे नीचे के जो 1.5 GB वाले रिचार्ज हैं, जो कि जिसमें आपको बताने चले कि जो आप लोग अपने फोन में 1.5 GB का रिचार्ज जो है वो कराते होंगे, जिसमें 199 यानी कि 199 की बात करें, इसमें आपको 5G की सर्विसेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं मिलेगी। 239 में अनलिमिटेड की 5G की सर्विस नहीं मिलेगी। 319 में, 329 में और 579 में, 666 में, तो 799 में, तो ये तमाम जितने भी रिचार्जेस हैं जिनका ये कहें कि जिनमें आप लोगों को 1.5 GB पर डे जो है वो डाटा मिलता था, वहां पर जो है वो आप लोगों का 5G जो है वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 2 GB पर डे वाला कोई पैक कराते हैं जिसमें 349 की बात करें, 629 की बात करें, 719 की बात करें, 749 की बात करें, 859 की बात करें, 899 की बात करें, या फिर 1028 की बात करें, ये अगर आप रिचार्ज कराएंगे तो इसमें आपको अनलिमिटेड जो है 5G सर्विसेज मिलेगी। बल्कि इससे नीचे अगर आप कोई भी पैक कराते हैं, चाहे वो 1.5 GB वाला जिसमें पर डे आपको 1.5 GB डेटा मिलता हो, या फिर 1 GB अगर डेटा मिलता हो, तो इनमें आप लोग जो है वो 5G सर्विसेज जो है वो अच्छे से नहीं चला पाएंगे। वहां पर आपको इंटरनेट में दिक्कत जो है वो हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब जियो कंपनी ने जियो नेटवर्क को लॉन्च किया था तो उस वक्त लोगों को फ्री में जो है वो ये मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो मिलती थी और उस वक्त लोगों को फ्री में मोबाइल फोन भी दिए गए। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से जियो कंपनी द्वारा जो है वो इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर बात करें रिचार्ज के हवाले से, कुछ ही दिन पहले जियो कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये कहा था कि रिचार्ज जो है वो 3 जुलाई से 12 से 27% तक जो है वो महंगे होने जा रहे हैं। तो आज से रिचार्ज भी जो है महंगे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 5G सर्विसेज के हवाले से बात करें तो 5G के अनलिमिटेड सर्विसेज वही लोग जो है वो ले पाएंगे जो अपने मोबाइल फोन में रिचार्ज जो है वो 2 GB पर डे वाला जो प्लान होगा वो कराएंगे, या फिर इससे ज्यादा 2.5 GB वाला प्लान जो है वो अपने मोबाइल यानी की जो फोन है, जो सिम है उनकी जियो की, उसमें जो है वो कराएंगे। तो आप सब लोग भी अपने अपने राय इस पर जरूर साझा करें कि आखिरकार आप सब लोगों का क्या कुछ कहना है। जिस तरह से जियो कंपनी द्वारा एक और बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है कि आप अनलिमिटेड 5G हर किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो मुफ्त का जमाना अब जो है वो जियो कंपनी ने खत्म कर दिया है, और अब जो उन्होंने शायद पहले के भी आप लोग आपको मुफ्त दिया होगा तो वो भी आप जो है वो जियो कंपनी अब कहीं ना कहीं जो है वो वापस ले रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार अब रिचार्ज के तो रेट महंगे हुए हैं, लेकिन अब अनलिमिटेड जो 5G आप लोग लेते थे, 5G फोन आप लोगों ने ले रखे थे, तो उसका फायदा जो है आप लोगों को तब ही मिल पाएगा जब आप अपने मोबाइल फोन में 2 GB वाला जो है पैक कराएंगे, यानी कि 2 GB जिसमें आपको पर डे का मिलेगा, या फिर उससे ज्यादा के जो रिचार्ज होंगे 2.5 GB या 3 GB या 4 GB वगैरह जो महंगे पैक्स होंगे उसी में आप अनलिमिटेड 5G चला पाएंगे। जबकि जो उससे नीचे के पैक हैं 1.5 GB या 1 GB उसमें आप लोग अनलिमिटेड 5G का जो सर्विसेस हैं उससे जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो जो है वो नहीं मिलेगी। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें और जरूर बताएं कि आप भी जियो के कस्टमर हैं या फिर नहीं है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।